लगभग लगभग 2 लाख लोगों को इस टेक्निक ने ओवरनाइट रिजल्ट दिए हैं। जी हाँ, लगभग लगभग 2 लाख लोगों को इस टेक्निक ने ओवरनाइट रिजल्ट दिए हैं। और मैं किसी छोटे मोटे मैनिफेस्टेशन की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो खैर हो ही रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेल्स आए हैं जिसमें लोगों ने प्रेगनेंसी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, स्कॉलरशिप, प्रमोशन, सब कुछ मैनिफेस्ट करा है। न्यू जॉब, मनी, रुका हुआ पैसा, बहुत सारी चीजें वापस आ गई और मुझे बड़ी खुशी होती है। वैसे ये टेक्निक कोई नई नहीं है। कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं ये रिपीट कर रही हूँ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन के साथ ही ट्रेन होता है। और अगर ये चीज लोगों पर काम नहीं कर रही होती तो रिपीटेशन का सवाल ही नहीं उठता था। रिपीटेशन हम तभी करते हैं जब कोई चीज हमारे ऊपर काम कर रही होती है। और फिलहाल तो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट है। जब लोग ये कह रहे हैं कि मैम आप इसको फ्री शेयर कीजिए, तो भैया ये ऑन डिमांड है, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। माय वायरल विस्पर टेक्निक के नाम से ये वाली मेथड काफी पॉपुलर हुई है और बहुत सालों बाद मुझे इसकी रेफरेंसेस फ्रेडरिक डॉटसन के वर्क में भी मिले। इसकी शुरुआत मेरी लाइफ में वहां से हुई जब मुझे स्कूल के लिए सुबह जल्दी उठना होता था, तो अम्मा मेरी दादी परदादी ने कहा कि पिलो को बोल के सो जाओ। हम पिलो को बोल के सो जाते थे और मुझे जैसे अलार्म सुनाई नहीं देते हैं आज तक, उसे पिलो जल्दी उठा देता था टाइम पे। तो बहुत टाइम तक तो ऐसा ही हुआ। अब फिर थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल तो मैं बचपन से ही हूं, तो मैंने उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए। अब मैं अपने पिलो को कुछ और भी बोल के सो जाती थी, कल ये टेस्ट पोस्टपोन हो जाए, कल फलाने टीचर छुट्टी पे चले जाएं, पापा से फलानी जगह जाने की परमिशन मिल जाए, ये सारी चीजें भी होने लग गई। फाइनली मुझे ऐसा लगने लग गया कि बिना लैंप वाला जीनी है ये। तो जिस तरह से अलादीन को कभी अपने जीनी पे शक नहीं होता ना, वैसे मुझे भी शक नहीं था। तो याद रखिए, आप ही अपने जीवन के वो अलादीन हैं। फिर जब मैंने इसको फ्रेडरिक डॉटसन की बुक में पढ़ा और जब मैंने आपके साथ इसको शेयर करा और जो रिस्पॉन्सेज आप लोगों ने मुझे दिए, मुझे सरप्राइज और शॉक्ड दोनों सेम टाइम पर दी। अब आपको लगेगा कि विस्पर टेक्निक मतलब कितनी बड़ी चीज होगी। नहीं, आपको सिर्फ एक बार बोलना है, सिर्फ एक बार। कई लोगों को लगता है एक बार बोलने में क्या होगा, आपको अपने सबकॉन्शियस को सिर्फ फेदर टच देना होता है, फेदर टच, एंड योर वर्क इज डन। अब इसके लिए स्टेटमेंट कौन सा यूज करना है? थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी कि मेरा ये पर्टिकुलर काम हो गया है। अगर किसी प्रॉब्लम में है, थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी कि मेरा ये काम हो चुका है। थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी मेरे अकाउंट में स्कॉलरशिप आ गई है। थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी मेरा वेट 1 किलो कम आया है। थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी पापा की ब्लड रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं। थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी मेरी स्किन बेटर होती जा रही है। थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी कि मैं पहले से पॉजिटिव होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ। अगर आप इसको यूज कर करके ऑलरेडी प्रो हो चुके हैं तो आप इसके साथ कैसे भी खेल सकते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट्स चालू रखिए बिना अटैचमेंट के, ठीक है? आउटकम से अटैच नहीं होना है। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो किसी भी ऐसी चीज से स्टार्ट कीजिए जिसका होने या न होने से कोई फर्क ना पड़े। मोटिव मैनिफेस्ट करना नहीं है, मोटिव है बिलीव बढ़ाना। कुछ भी ऐसी छोटी छोटी चीजों पर इसको कुछ दिनों तक ट्राई कीजिए जिसके होने या न होने से कोई खास फर्क ना पड़े। तो बेसिकली मैनिफेस्टेशन इज फन, इज अ गेम, जब आप अपनी एनर्जी के साथ खेलना सीखते हैं। ये बहुत आसान है और आसानी से ही होना चाहिए। और मैनिफेस्ट करना कितना आसान है, इसका प्रूफ आपको विस्पर टेक्निक देगी। तो ट्राई इट, आज ही रात से ट्राई करना, छोटी छोटी चीजों के लिए ट्राई करना। एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग। सी यू।